This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं जुनैद गुल विद अ न्यू डिस्कशन टॉपिक एंड विद अ न्यू गेस्ट इन द प्रोग्राम इन फोकस नाजीन आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एंड हाउ इट इज़ इंपैक्टिंग द इकानमी ऑफ पाकिस्तान और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि अब डेढ़ महीना होने वाला है फॉर द मर्जर दैट हैपन बिटवीन द थ्री एक्सचेंजेस ऑफ पाकिस्तान कि वो उसके रिजल्ट क्या रहे अगर हम देखें तो इकॉनमी के लिए कैपिटल मार्केट का एक स्ट्रक्चर और एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है उसकी स्टेबल ग्रोथ के लिए किसी भी मुल्क में देखा जाए तो एक बड़ी मार्केट कैपिटलाइज्ड स्टॉक्स चेंज जिसकी लिक्विडिटी भी अच्छी हो उस पर देखा जाता है देखा जाता है काफ़ी अच्छे उसके असर नज़र आते हैं इकॉनमी के ऊपर तो पाकिस्तान में सिचुएशन आफ्टर द मर्जर क्या रही Uh, हमें क्या फ़वाद नज़र आए और क्या अच्छा हो सकता है उसको देखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जना मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और आपकी नज़र आप दुनिया भर में काफ़ी काम कर चुके हैं तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अप्रोपेट पर्सन टू डिस्कस दिस टॉपिक अलकुम वेलकम टू द प्रोग्राम सर बिफोर गोइंग टू एनी थिंग एल्स मैं चाहूँगा थोड़ा सा रोशनी डालें कि मीशत का और स्टॉक कैपिटल मार्केट का लिंक क्या है दुनिया भर के एक परस्पेक्टिव से और पाकिस्तान में क्या हो रहा है देखिए पूरी दुनिया में especially developed countries can there capital markets serve as a place to raise money number one uh, to use the stock and take uh, do acquisitions uh, bond market debt b derivatives b हर चीज़ जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैपिटल मार्केट्स में ट्रेड होंगे okay. उसका मीशत से क्या ताल्लुक है देखिए जिस चीज़ की इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं वो कॉरपोरेशंस हैं okay. और कॉरपोरेशंस का मीशत से जो ताल्लुक़ है वही मईत का थर्ड स्टेप या सेकेंड स्टेप है कैपिटल मार्किट्स के साथ उसका वो okay. ताल्लुक है तो डिवेलप मार्किट्स में डाटा इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि एक मुसलसल रब्त बन जाता है मीशत का और कैपिटल मार्केट्स का okay. घर ज़्यादा बिक रहे हैं तो उनकी जो जो फिगर्स वीकली या मंथली आते हैं उसका मॉडगेज लेंडर्स अगर वो लिस्ट हुए हुए हैं तो उनका ताल्लुक उन कंपनीज पे आता है ऑटो सेल्स जैसे पाकिस्तान में तो बहुत छोटी मार्केट है तो ऑटो सेल्स हो गए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई तो इस ये कैपिटल मार्किट्स पनिश या रिवॉर्ड करती है उन कंपनीज को okay. तो अगर वो कंपनी जो प्राइवेटली काम कर रही है मगर उसके शेयर्स पब्लिकली लिस्टेड हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो भी इम्प्रूवमेंट्स या नॉन इम्प्रूवमेंट्स या फेलियर्स हुए हैं वो उन्हें अनाउंस करना पड़ता है okay. तो कैपिटल मार्केट्स एक एग्जाम बन जाता है और इन्वेस्टर्स एक टीचर एक बन जाते हैं okay. कि वो फट से कह देते हैं जी सीक्रेट आ गया okay. कोई ड्रग लॉन्च होने वाली है एफ में है या किसी और अथॉरिटी में।, में इंडस्ट्री आजकल पैक की, की वजह तो okay. ए ले चुका है तो ये तरीके से हर चीज का एक रब्त बना हुआ होता okay. है इससे लोगों को पैसा बनता है पेंशन फंड्स मैनेज होते हैं गवर्नमेंट्स जो होती है वो आकर इसी मार्केट में कैपिटल मार्केट्स में डेट साइट के ऊपर पैसा अपने लिए बोरो करती है okay. और इसी मार्केट में आके फेडरल फेडरल बैंक्स होते हैं right. वो इकॉनोमी को स्टेबलाइज करते Closely हैं इंस्ट्रूमेंट टू स्टेबिलाईज और डी स्टेबिलाई द्वस बाट्रल बैंक इंटरेस्ट लिक्विडिटी कम हो गई है तो सेंट्रल बैंक्स आके लिक्विडिटी पंप करेंगे okay. उसके अंदर क्वान्टिटेटिव ईजिंग जैसे आपने देखी थी तो बे इंतहा रब है अगर आप ये पूछें गाड़ी का रब्त हाईवे से क्या है okay. तो गाड़ी का रब्त हाईवे से वही है और उस जो एक कैपिटल मार्केट्स का इकोनॉमी के, के साथ होना चाहिए okay. पाकिस्तान में नहीं होता इसलिए भी नहीं अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करें तो इस रॉन्ग इसलिए भी नहीं होता कि इन्वेस्टर्स को भी इसका रब्त मालूम करने का कोई शौक ही नहीं है वी लैक नॉलेज and we lack the will to gain knowledge. Okay. I think the lack to uh, lack of will to g uh, gain knowledge is more dangerous than lacking knowledge. There's a very small percentage of people in Pakistan who are actually investors in the stock. 239,000. are actively trading I think this is again, you that this is a lack of will to acquire knowledge. Now, I think it's a very good point, because I know, but it's a good point that you've raised.

Uh, जो नए क्रिएट हुए पिछले दो साल में वहां का लिटरेसी रेट क्या है भाई? But किस वजह से क्रिएट जैसे मिलियन इन्वेस्टर्स पे, पे है सिक्सटी फाइव मिलियन की पॉपुलेशन में exactly. वहां का कौन सा exactly. uh, हातिम ताई वाला लिटरेसी रेट उन्होंने right. सखावत में दिया हुआ right. है नहीं दिया हुआ hmm. देखिए इंडिया है इंडिया में 22 टू एक्सचेंजेस हैं आप जाएं इंडिया में मैंने अपनी आंखों से देखा right. है बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट के ऊपर वो रोड पे बैठा हुआ पत्थर रखे हुए आईपीओ के फॉर्म्स के ऊपर फॉर्म्स बेच रहा है दस दस रुपए के right. इसलिए कि आप बैंक में जाके फ्री में ले सकते हैं मगर आपको पच्चीस मिनट लगेंगे लाइन में लगने के लिए आम आदमी ले रहा है उसकी दो वजूहत हैं एक वजह यह है कि आपकी मार्केट अगर 2008 की तरह धन करके क्रैश होकर नब्बे दिन के लिए बंद होगी तो अगर आप आम आदमी को खींच के लाएंगे भी मार्केट में तो उसका इतना सावर एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वो चला जाए बिकॉज ऑफ ऑफ अवेयरनेस मेरा निकल के बहुत से लोगों को पता है कि दो हजार आठ में हुआ क्या था यू नो वट आई मीन

उस क्रैश से बचाने के लिए या मेरी लिक्विडिटी को कायम रखने के लिए ये भी हैं ये भी हैं ये भी हैं ठीक है ना तो वो कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है चार क्रैशेस मैंने जिंदगी में अपने okay. आ, देखे हैं अमेरिका जैसे मार्केट में देखे हैं जहाँ हमें घूम करके मार्केट गिर गिरी एंड क्रैश और हजार पॉइंट पाकिस्तान में पैंतीस के ऊपर इसको लोग क्रैश कहने लगे क्रैश मतलब थर्टी फोर्टी इन अ डे गॉन तो जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहां से आएंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आएंगे जो बेचने वाला है स्टॉक वो पहले नॉलेजेबल हो राइट एग्जैक्टली आप ठीक है ना yeah. अगर आप बैंक में काम करते हैं अगर और आपके पास मैं अकाउंट खोलने जाऊं और आपसे मैं पूछूं जुनेद जरा मुझे अकाउंट खोलने के डिटेल्स बताइए जरा बैंकिंग की हिस्ट्री बताइए और आप ये बोले मैं तो फॉर्म फॉर्मी भाई ये फॉर्म yeah. फिल कर लीजिए क्योंकि yeah. कल तक तो मैं कार सेल्स सेल्समैन था yeah. तो अभी यू नो दैर इज एग्जैक्टली वॉर इज कोई क्वालिफिकेशन yeah. एग्जाम नहीं है मैं बोल बोल के मेरी मुंह खुश्क हो चुका है इस बात को जब तक प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इज नॉट क्वालिफाइड Receiver of services will always be misled and doubtful and misled. Misled, misled, not right, doubtful. Right, misled. misled yeah, Why yeah. misled? Because provider ka financial benefit hai receiver का तो बाद में आ रहा है. Absolutely. Investor तो बाद में पैसा बनाता है और उसको risk है. Broker को ko कोई risk नहीं है. ब्रोकर का रिस्क क्या है अगर ये बहुत पैसा लूज करके ये क्लाइंट चला जाए तो उफ मुझे एक और क्लाइंट लेकर आना पड़ेगा मगर कमीशन तो वो पहले बना रहा है ठीक है ना ये चर्निंग एक्टिविटी को देखा जाए जो चर्निंग हमारी इंडस्ट्री की जबान में जिसको कहते हैं कि बार बार बेचना बार बार खरीदवाना क्लाइंट से जस्ट टू जनरेट कमीशन ये फ्रंट रनिंग दूसरी चीजें जिस इंडस्ट्री की तरफ से होती हैं वो तो शायद कम हो रही हैं hmm. मगर क्वालिफिकेशन जब तक नहीं आएगा अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक तुर्रा इम्तियाज क्या है वो ये कहेगा जी मैं पच्चीस साल से मार्केट में हूँ भाई अगर आपकी इब्तदा ही गलत हुई थी और just उस पच्चीस साल that, से पच्चीस exactly. साल से आप उसी यू uh, नो you know, गर्ण गर्ण पे डगर पे आप चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं शायद आपको अवेयरनेस हो मार्केट की हैपनिंग्स yeah. की अवेयरनेस द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट यू नो हाउ टू यू डोंट नो यू डोंट नो हाउ द मार्केट वर्क यू नो और हमारी इतनी सिंपल मार्केट्स हैं जो okay. हमारे पास तीन या चार तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं रेडी मार्केट में आप शॉर्ट नहीं कर सकते दूसरा आपके पास फ्यूचर्स है उसके बाद क्या है आपके पास ना डेरिवेटिव्स हैं आपके पास ना हेज करने के लिए ऑप्शन हैं आपके पास ना रेडी में शॉर्ट सेलिंग है आपके पास ना आठ हज़ार स्टॉक्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के ओवर द काउंटर या दूसरे उस कस्म के कुछ है ही नहीं तो अभी मौका है टू टू मेक इट सिंपल जब तक सिंपल हो उस वक्त आप बेहतर कर लें देखिए कोई चीज आप नई बना रहे हैं तो उसकी शुरुआत ही में नई टाइम के लिहाज से ना जाए साठ साल से स्टॉक एक्सचेंज है मगर वी आर नो वे क्लोज ये तो अल्लाह की रहमत है कि तीन प्रोडक्ट्स के साथ वी आर भी बिलियन डॉलर कंपनी यू नो दुनिया में सेवेंटी बिलियन डॉलर कैपिटल मार्केट दुनिया में सत्तर बिलियन डॉलर की कैपिटल अभी दंगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इज यांग म्यांमार का जो हुआ है अभी डेढ़ महीना शुरू हुआ है वहाँ पे शायद स्टॉक ग्यारह हैं इस वक्त मगर वो अभी से डेरिवेटिव्स पे काम कर रहे हैं ऑप्शन okay. पे काम कर रहे हैं हेज फंड्स पे काम कर रहे हैं okay. uh, हमारे यहाँ रीट आता है एक दो रीट लिस्ट होते हैं उसके बाद पंद्रह रीट्स को रोक दिया जाता है okay. देखिए

उनको सिर्फ वेरिफिकेशन करनी चाहिए yeah. पूरी दुनिया में रेगुलेटर्स का ये रोल होता है okay. दुनिया में रेगुलेटर ये नहीं बैठता कि यार शायद ये चोरी करने वाला है यू आर नो टू से दैट यार यू सपोज टू हैव कि वो चोरी करने वाला भी हो तो ना कर सके दीज आर द मेकेज्म यहां ओपिनियनेटेड लिस्टिंग होने लगी हैं okay. कि एस ने यह लिस्टिंग रोक दी यू नो सी अच्छे काम बहुत कर रही है मगर मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि आप रेगुलेट करें ओपिनियटेड बेस्ड रेगुलेशन ना करें सबके लिए यूनिफॉर्म रेगुलेशन हो, इन्दार्णी हो। right. ये ना हो कि इसका रीट आ गया इसका अटक गया okay. क्यों भाई सबके लिए ये रूल्स अगर रूल क्वालिफाइज okay. अच्छा मुझे बताएं कि अगर इफ एवरीथिंग लेट्स लेट्स से से फ्रॉम टुडे और दे स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग सो हाउ फार इट कैन इंपैक्ट द हाउ सून इट कैन इंपैक्ट द इकॉमी दस से पंद्रह साल okay so <laughs> now we have to start i think we're already late then we are 30 years late exactly yeah we are okay. 30 years late okay now uh, the main objective coming to the merger of these uh, stock exchanges the main objective was to have one entity and people should look at one entity to trade with and uh, to reduce the complexity there was no complexity. Was like, there was no complexity. anyways now it <coughs> like what i'm going to say now is an opinion in the market Uh, कराची स्टॉक एक्सचेंज रहा है नाइन एट परसेंट ट्रेडिंग बहुत ही थोड़ी सी लाहौर में होती थी और उससे कम बिल्कुल के बल्कि इस्लामाद में होती थी ना आफ्टर दिस मर्जर हैज इट चेंज्ड देखिए सब में पहले तो मैं ये बताऊँ मोनापली दुनिया के हर फाइनेंशियल मार्केट में एक तबका होता है जिसकी जो ज्यादा हावी होता है okay. मार्केट में इंडिया में बाईस या तेईस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज़ द हैवीस्ट वन उसमें भी अहमदाबाद के गुजराती ज़्यादा है ओके ठीक है आप चाइना में चले जाइए ऑफ़शोर और ऑनशोर वाले क्लाइंट्स डिफरेंट हैं ट्रेडर्स डिफरेंट हैं गंगज़ू के ट्रेडर्स आपको शंघाई पे नज़र नहीं आएंगे ओके ठीक है मैं हर जगह की मिसाल आपको दे सकता हूँ तो ये कहना कि जी कराची की मोनापली थी अब उसको मोनापली कहें या ये कहें कि पहला स्टॉक एक्सचेंज यहाँ बना था।, था पहली बिजनेस कम्युनिटी यहीं पर आई थी okay. इस्लामाद yeah. तो नहीं जाके मूव हुए थे ना yeah. और लाहौर में जो गए थे वो मेरे ख्याल में जरिए बिजनेसमैन थे एग्रीकल्चरिस्ट yeah. थे ज़्यादातर या yeah. इंडस्ट्रियलिस्ट थे यहाँ पे फाइनेंशियल yeah. एंटरप्रेन्योर्स भी आए yeah. थे उस जमाने के खर्चे पे जुड़िया बाजार में काम होता था वाटर मार्केट में काम होता था आवाज़ पे जो कहते हैं तो सब में पहले तो ये कह कि देखिए मोनापली इज नॉट द राइट वर्ड इन्फ्लुएंस था था अच्छा अगर आपने इन्फ्लुएंस तोड़ने के लिए स्टॉक स्टॉक्सचेंज को मर्ज किया है तो दैट्स द वर्स्ट थिंग ओके ओके आप किस बिना पे इन्फ्लुएंस तोड़ रहे हैं क्या वो खर गलत कर रहे हैं तो उनको आप मॉनिटर करें रेगुलेट करें जैसे रेगुलेट करें ठीक है ना आप वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो आप पहले यह बताइए कि कराची में अगर आ, दस मिलियन शेयर्स घंटे के ट्रेड होते हैं तो लाहौर में 6 मिलियन होते थे और इस्लामाबाद में तीन मिलियन होते थे right. अगर ऐसा था तो मर्ज कर दीजिए यहाँ दस मिलियन होते थे वहां एक लाख होते थे right. Exactly. तो वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स से से बढ़ेंगे? Absolutely. Absolutely. Simple, simple exactly. yeah, exactly. से बढ़ेंगे? सिंपल ऑब्जेक्टिव बात अच्छा, ये क्या यूनिफॉर्म रेगुलेशन के तहत नहीं हो रहा था right. कि उनको यूनिफॉर्म करना पड़ा तीन नो no. तीनों पे एसपी लागू थी बिल्कुल ठीक है तो किन वजूहत के बिना थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई लाइक इज इट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज गुड इज इट इंटीग्रेशन और इज इट लाइक

फॉर एवरी बॉडी फेयरली फेयर एंड डील फॉर एवरी बॉडी प्रॉब्लम ये नहीं हो रही uh, इतिफाक़न जो कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़े वो तो not control. ये, वो हुआ हुआ ये जैसे ही स्टॉक्स मर्ज हुए उधर ऑयल का डिपोल शुरू हुआ वो हुआ उसके बाद एफ आई एफ आई ए इनको उठा के ले गए उनको उठा के ले गए उसी वक्त अकाउंटबिलिटी का भी मसला शुरू हो गया प्रॉब्लम ये हो गया इस वक्त जो मेरी नज़र में प्रॉब्लम है इस ये है कि नाराज बच्चे बैठे हुए हैं okay. कि हम नहीं खेलेंगे इसलिए कि अंपायर बहुत सख्त है यू नो मतलब हम 18-20 फर्म्स हैं और हम इतनी ट्रेडिंग नहीं करेंगे इसलिए कि हमें डर लग रहा है नैब ये करेगी नैब वो करेगी okay. यार यू you नो know, जब दूसरे पे हो रहा था तो आप वाह नॉट कॉमन फॉर पाकिस्तान ये, ये, वाँ 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 वाँ। एक पार्टी पे हो रहा था वो दूसरी हंस रही थी दूसरे पे होने लगा तो तीसरी हंस रही अब तीनों पे हो रहा है तो, तो हम हंस हम रहे थे थे थो, थे थे थो हैं जो कि हमारा आवाम जो हमारा काम क्या है हंसने के अलावा मगर मैं ब्रोकर्स का भी समझ सकता हूं कि ऐसे ही नहीं होता कि आप घुसे उठाए लेके चले गए दैट्स नॉट राइटैक्टली ट्रू से नॉट ठीक है ना मगर आप इस वक्त मेरी ब्रोकरेज इंडस्ट्री से ये गुजारिश है इस वक्त आप हाथ खींच लेंगे अगर तो जो आपके बिगेस्ट फियर्स थे ना कि हमारी जो भी कंट्रोल था वो खत्म हो रहा है वो लिटरली खत्म हो जाएगा क्योंकि आपके वॉल्यूम कोई और वो फिल इन करेगा उसको गैप गैप फिल होता है के नॉट पैसा रखा है बनाने के लिए आप अगर नाराज होकर ये कह रहे हैं ये पैसा मुझे नहीं चाहिए वो बोलेगा हटो यार ये तो मैं पैसठ साल से इंतजार कर रहा था ये गैप बने तो तो मैं आके इसको वो हो रहा है तो दिस इज नॉट द आंसर

ओके okay, पॉडकास्ट कर सकते हैं आप न्यूज़लेटर्स अपने ब्रोकर्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स को निकाल सकते हैं आप अपने को बचाए जा रहे हैं आप ये एक सेकंड को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को जो कि आपकी रोजी रोटी की वजह है right. आप उनको तो एक थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस मिलेंगे वी आर मेकिंग एज अ इंडस्ट्री फोर फाइव आई नो आई कैन से दिस ईयर बट आई नो बैकडोर डिप्लोमेसीज

Topics don't have to be जब, sorry, जब हो गई है and the, uh, stock have merged as well, और जो क्वेश्चन uh, था कि हाउ विल इट इम्पैक्ट द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान तो मुझे तो लगता है कि जो मर्जर के बाद भी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो वर्ल्ड वाइड एक कैपिटल मार्केट का होता है वो ऐसा खास नजर नहीं आएगा इवन आफ्टर द मर्जर थिंग ना आपकी इकोनॉमी और मार्केट में डिसकनेक्ट है देखिए पॉइंट ए की एक रोड है पॉइंट बी आपका डेस्टिनेशन है बीच में रोड टूटी हुई है okay. आप ये कह रहे हैं मैं इस रोड पे आ गया हूं तो मैं डेस्टिनेशन पे क्यों नहीं पहुंच रहा इसलिए कि बीच में से रोड टूटी हुई है वो रफ्त जो है इकोनॉमी का कैपिटल मार्केट्स के साथ जब तक वो नहीं सही किया जाएगा okay. रफ्त वो रफ्त जो तसलसल होता है ना फिगर्स का इंडिकेटर्स का Uh, so you mean more 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 information information to the investor. absolutely okay. More information, more listings okay more देखिए पाकिस्तान में दो सीरियो एक तो ये है कि ये मेरी कंपनी है तो मैं इसको लिस्ट इसलिए नहीं कर रहा मेरे दादा ने शुरू की थी right. एक इमोशनल absolute. I don't want to give it out, give it away. I mean, you're not giving anything away. Yeah. That's yeah. what I'm saying. But ha, that's how they I'm think, just, exactly. That's exactly how yeah. they think. मैं <laughs> <laughs> जिनसे भी बात करता हूँ अपनी कंपनी को क्यों नहीं लेकर तेरे हम अपने आवाजदात की कंपनी को बेचे एक तो आना इतनी बड़ी है हमारे. Please. <laughs> break के लिए कहा जा रहा है. Please. Just, just, just keep it there. Does he will take a short break and continue from the same point again? Thank you. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक सर ब्रेक से पहले जो आप uh, पॉइंट पे डिस्कशन हम कर रहे थे कि इसकी जो मर्जर uh, के बाद जो ये जो लाहौर और इस्लामाबाद की जो स्टॉक्स छोटे थे पहले अब इस मर्जर के बाद इनको क्या मतलब बेनिफिट मिल सकता है और ओवरऑल क्या फ़ायदा हो सकता है देखिए ना एक इक्वल प्लेइंग लेवल मिल गया है okay. ज़्यादातर ट्रेड्स कराची ही से एक्सीक्यूट हुआ करते थे right. पहले अब वो खुद अपने एक्सीक्यूट कर रहे होंगे एक चीज तो ये हो गई दूसरा आ, एक परसेप्शनल इक्वालिटी आ गई okay. परसेप्शनल मैंने कहा okay. right. परसेप्शनल आ गई हम भी उतने ही मेंबर हैं जितने आप हैं right. आ, बहुत अच्छा इकदाम है ये, बहुत अच्छा कदम है ये पीएसएक्स का एक स्टॉक एक्सचेंज का मर्जर होना मगर इसके एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव आप मुझे बताइए कि क्या है लॉन्ग right. टर्म तो फवायद में आपको 40 गिनवा सकता हूं शॉर्ट टर्म ने आपने मिटिगेट किया था कि अगर ये हो गया तो क्या होगा True. अगर वो हो गया तो क्या होगा यू hmm. नो you know, एकदम अनाउंस किया गया अगले यह तीन महीने में ये हो जाएगा आई एम श्योर आई वी न्यू फ्रॉम इनसाइड द इंडस्ट्री होने वाली होने है। वाली है मगर देखिए मैं या पचास और इंडस्ट्री के जो भी बिग बिग्स हैं जो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता असल फर्क पड़ता है रिटेल इन्वेस्टर से उनके कॉन्फिडेंस के लिए क्या किया जा रहा है देखिए फेडरल रिजर्व भी अगर बैठ के इकोनॉमी एफओ uh, की मीटिंग करती है और दो दिन के बाद वो कुछ अनाउंस करती है तो वो पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करती exactly. है वो अगर ये नहीं करती कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को सर्कुलर भेज, भेज दिया exactly. Exactly. यहां पे भी स्टेट बैंक जब करता है तो पब्लिकली करता है मेरे ख्याल में जो डायरेक्शन है वो पब्लिक की तरफ ट्रांसपेरेंसी डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड उसके साथ साथ इमीडिएट डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चंद ब्रोकर चौक करते हैं right. देखिए यहां से पता चला चोक किया उस अगर हमारी मार्केट में 20 मिनट के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन चोक कर दें तो आप 10 मिलियन डॉलर बना के जा सकते हैं उस दिन ओके okay. okay. आपने wow. चोक किया माल उठाया, उठाया लैंग्वेज में कहते जो मुझे आने आ, के, के बाद सीखना पड़ा पाकिस्तान में राइट माल उठाया इन्फॉर्मेशन को किया, पब्लिक तक पहुंची, और and अच्छा उसमें एक, एक well, well. अच्छा, हम तो जो जनरल परसेप्पन है कि वेरी गुड मूव टू मर्ज इट कुछ लोग ये कहते हैं लोग इंडियन एग्जाम्पल लगे बॉम्बे स्टॉक्सेंज वॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल बिफोर द नेशनल स्टॉक सो दे इट गॉट कॉम्पिटिशन

जिस जो मिसाल दे रहे हैं उसको आप स्टडी कर चुके हैं या नहीं में बहुत yeah. okay. फर्क है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज एन आउटक्राइस जैसे कराची का भी हुआ करता right. था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या निफ्टी yeah. जो निफ्टी uh, फिफ्टी या निफ्टी जो कहते हैं इंडिया में आया वाज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ऑफ कराची वो टू ट्रिलियन डॉलर की बॉम्बे की मार्केट थी Okay. हम अस्सी बिलियन डॉलर पे इतने से पाए की ओल्डेस्ट एक्सचेंजेस वेरी स्ट्रिंजेंट तो उसके लिए भी निफ्टी लाया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चार कैटेगोरीज हैं ओके द हाइएस्ट पेड कैपेड ऑफ कैपिटल सेकेंड ग्रोथ कंपनीज एंड स्मॉल वो जो बॉम्बे में नहीं कर सकते थे okay. आप जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और NASDAQ में फर्क है न्यूयॉर्क okay. की लिस्टिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई है okay. इसलिए कि वहां ब्लू चिप कंपनी okay. ज्यादातर लिस्टेड है यहां पे नेसडेक में भी चार लेवल है उसमें छोटे से एक चार मिलियन डॉलर की कंपनी तो भी, भी जो कि अमेरिका के लिए कुछ नहीं है right. चार मिलियन डॉलर की कंपनी भी हो सकती है लिस्ट और 300 बिलियन डॉलर की कंपनी भी लिस्ट हो सकती okay. है तो वो उस वजह से दूसरा एक्सचेंज बनाया गया है ओके okay. okay? ये बॉम्बे और निफ्टी में भी तो व्हाट यू सेइंग इज दैट कराची हमारे पाकिस्तान ऑलरेडी पाए इतना छोटा है अभी कि अगर उस वाँग उस वाँग तो अगर उसको डिवाइड और... कर देंगे तो देन इट विल बी फर्दर इस वक्त एमलगमेशन की बात होनी चाहिए कंसोलिडेशन की बात होनी चाहिए कंपटीशन क्रिएट करने की बात कंपटीशन जब क्रिएट किया जाता है कि सप्लाई साइड जब आपकी डिमांड को टिप कर रही हो यहां पर इन्वेस्टर की सप्लाई ही Yeah. Okay. So first, you have to grow the market to a level where there could be more competition created. Absolutely. You know. When okay. there is a billion dollars a month chasing the market. Okay. So this is my one point. I think it's a very valid reason that you gave. But let's the competition the side. But whatever irregularities that have been prevailing in the Karachi Stock Exchange era, if a new electronic stock exchange is with a properly uh, structured manner. तो डोंट यू थिंक दैट वुड हैव क्रिएटेड सम स्ट्रक्चर हेयर एज वेल ऑटोमेटिकली जो कि रेगुलेटर इतना नहीं कर पा रहा देखिए इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है जिस चीज़ के बारे में मैं कराची स्टॉक चेंज के एमडी से भी दूसरों से भी इन्वेस्टमेंट बैंक से भी सबसे मैं लॉबिंग कर रहा था कर रहा हूँ विच इज़ ए स्मॉल टू मीडियम देखिए ना आप ये बताइए ना एक आम आदमी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का फ़ायदा ट्रिकल डाउन हो रहा है okay. नहीं हो रहा चलें ठीक है वो हमें पता है कम से कम एक आम आंट्रप्रनोर को तो हो okay. हमारे यहाँ हर चीज़ अमीरों के लिए बनाई जाती है यू नो right, okay. you know, रीट लेकर आना है तो इतने पैसों का ब्रोकरेज हाउस करना है तो इतने का आइडियाज को हमारे यहाँ फोकियत नहीं दी जाती ये एरा जो है और पिछले बीस साल से एरा जो दुनिया का चेंज हुआ है वो इनोवेशन जैसे exactly. आपने कहा आइडियाज को आ, सराहा जाता है आइडियाज को वैल्यूएट किया right. जाता है फेसबुक गूगल नेटस्केप एमजान ई बे लूसेंट आई कैन गो फॉर एन आवर देखिए, चलिए हमारे पास शायद आ, मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि हमारे बच्चों के पास नहीं, देखें, नहीं देखें। इमेंस, इमेंस कोई बात नहीं हमारे यहाँ इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है तो सिंपली एक काम करें। एक बच्चा जो लाहौर में बैठा हो या कराची में बैठा हो उसने कोई बहुत अच्छी ऐप ईजाद की है या दाल चावल एक नए तरीके से बेच रहा है एजुकेशन को अपनी टेक्नोलॉजी को मिल कर रहा है ना वो आके पैसा रेस कर ले

Right, करके right, yeah. यार हु आर आर यू यू नॉट द गॉड्स ऑफ द इंडस्ट्री रेगुलेटर्स की मैं बात कर रहा हूं hmm. दुनिया में कहीं नहीं होता hmm. बड़ी सी बड़ी एंड्रॉन जैसी कंपनीज बैंक्रप्ट होती हैं और छोटी सी छोटी कंपनीज ईबे बन जाती हैं right. और एमेजॉन बन जाती हैं True. तो योर जॉब इज नॉट टू डिसाइड कि ये कंपनी फेल होगी या नहीं दैट फ्री मार्केट इकोनॉमीज डिसाइड राइट इन्वेस्टर्स डिसाइड इन्वेस्टर को एक डिस्क्लोजर हो शेयर्स खरीदने से पहले कि दिस इज टेन टाइम्स मोर रिस्कियर देन पाकिस्तान दिस कंपनी हैज नो हिस्ट्री छ महीने हुए हैं आइडिया है आइडिया कुछ फेल ये पूरे डिस्कलोजर लगाने के बाद very true, very true. अगर मैं फिर भी अपना पैसा में लगाना चाहता हूं हु आर यू टू स्टॉप मी ट्रू इन बच्चों को तो कुछ मिले ये बेचारे कशकोल लिए हुए फिर अमीरों के पास जाते हैं exactly. yeah, कि जी हमें सीड कैपिटल दे दीजिए चलो सीड कैपिटल तो आप मार्केट से यूज नहीं रेज नहीं कर सकते आप हमें स्केलिंग अप के लिए कैपिटल दे दीजिए अब वो क्या कर रहा है बैठ के मनिपुलेट कर रहा है मतलब एक आम आप आम आदमी को पैंसठ साल में अगर आप ना दे सके स्टॉक कैपिटल मार्केट्स का फायदा तो आप कम से कम हमारी यंग जनरेशन को तो दीजिए so तो well, मोर वो मोर ये और होगा ये कि ये छोटी कंपनी सौ में से चार बड़ी भी बनेगी exactly. हर दूसरे तीसरे साल इस वाले स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाएंगे

जब एक स्टॉक से जैसे डेवलप होती है सो द मेन आइडिया इज टू फ्रॉम द ट्रेडर्स एंड शुड बी इंडिपेंडेंट बॉडी वो मेरे ख्याल से तो अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ है वो ग्रेजुअली होगी ओके हो, हो, okay. नाइमेक्स और नाइमेक्स कह रहा हूँ एमेक्स और दूसरे का भी जब आ, मर्जर हुआ था ये यूरो नेक्स्ट और, और उसका हुआ था या फ़ुस्सी या ड्यूचे का जो होने वाला है

इसको छोड़ दें आप इधर से देखिए दो तरीके से मोनोपली को किल किया जा सकता है या जो कर रहे हैं आप उनसे लड़ें या उनके पावर को डाइल्यूट करने के लिए आप आवाम को एम्पावर करें okay. इन्वेस्टर्स को एम्पावर करें okay. कि वो उनको इतना पता चल जाए कि वो मोनोपली को देखकर बोले एम नॉट गोइंग देयर ओके बिकॉज दिस एक्सपाइ स्टॉक पंद्रह से साढ़े सोलह सौ सो पे चला गया जो कि दो हजार आठ में मुझे मैंने सुनाया हुआ करता था यू नो सिंपल यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकरस हैं बेहतरीन ब्रोकरेज फर्म्स हैं देखिए ना और वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसमें बेहतरी आए हर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ब्लैक शिप्स होते हैं अगर हम ये कहेंगे जी अमेरिका तो इतना अच्छा है अमेरिका से ज़्यादा मनीपुलेशन मैंने दुनिया की किसी मार्केट में नहीं देखी वहाँ पे गोल्डमैन सैक्स सत्तर बिलियन डॉलर कमाता है आठ बिलियन डॉलर फाइन देता है और एवरी इज़ हंकी डोरी यू नो तो ये मत समझिए कि यहाँ ख़राब है और वहां अच्छा है पूरी दुनिया में लंडन, लंडन में देखें बैंक देखें बैंक बार्कलेज देखें जब से कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स का एक ग्लास सीगल एक्ट हुआ करता था अमेरिका में जो प्रिवेंट करता था कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट ऑफ फुटिंग अगर आप मेरे उस वक्त के आर्टिकल्स कह रहे छह या सात आर्टिकल थीसिस

नहीं इसलिए कि जो खरीदने वाला है उसको यही फोन तीस हजार रुपए में कई और से मिल रहा है नंबर वन वो बेहतर काम करता है ये फोन मैं बेचना चाहता हूं और मैं खरीद रहा हूं मैं जमीन और आसमान का फर्क है तो। यहाँ पे है मैं हम बेचना चाहते हैं किसी ने एक आके बिड भी की नहीं की एंड व्हाट हैव यू डन टू सेल इट ऑफ किस लिए किस नहीं की देखिए ना आप किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं तो सब में पहले अपने घर की घर सफाई करते, करते हैं गर गर भी 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 करते, घर की सफाई करते हैं मेहमान की सहूलत के लिए उसके आराम का ख्याल करते हैं पानी देते हैं मैं आया हूं आपने फौरन आके पानी रखवाया चाय रखवाई हम यहाँ पर जब तक वो नहीं करेंगे हमारे रेगुलेशन नहीं बेहतर करेंगे फ्रंट रनिंग नहीं खत्म करेंगे मनीपुलेशन नहीं खत्म करेंगे लिक्विडिटी नहीं लेकर आएंगे ये सब चीजें नहीं करेंगे तो जो 200 मिलियन या 100 मिलियन डॉलर लेकर आ रहा है उसको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है चाहे वो पाकिस्तानी भी हो सर टाइम बड़ा कम हो सर बता सेलिंग इट ऑफ इज गुड इन लॉन्ग टर्म और नॉट गुड लॉन्ग टर्म इज गुड इज बटरिटिकल और जियो इकोनॉमिक Ties with anybody else uh, okay. in the region, that country is not very uh, happy with us. Okay. That's very important to oh, see. Oh, very I'm important. This is e okay. economic espionage. Ali, thank you very much. It was a thank very, you. very excellent, very informative discussion. I think we we'll glass eagle actually, I think we should do something Please. again on that. I my will invite pleasure. you for that. Nazreen, uh, what I take out from this discussion is the Pakistan Stock Exchange merged objectives. Te, well, I think it was a bit uh, of a hasty decision, just like any other decision that we do in Pakistan. This is my opinion. I could be wrong, totally wrong, but this is what we see. Uh, uske jo objectives, rakhe gaythe, कोई फुलफिल नजर नहीं आया नाउ अगेन द मेन एज आर एक्सपर्ट अली साहब ने बताया कि द ट्रेनिंग ऑफ द द स्टेक होल्डर्स द पीपल हु आर डूइंग इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लस द सेलिंग इट सेलिंग ऑफ ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज टू बी डन इन अ वेरी वेरी थॉट आउट मैनर It should not be done in a way that we will do another program on that with Ali uh, to see uh, some other aspects of that. Thank you very much for watching the program. Uh, I'll see you on Monday again now. Thank you. Assalamualaikum.